भगवान की करूं आरती। पापियों को पाप से है धरती श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की करूं आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पाप से है ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी श्रीमदसूदन की आरती। पापियों को भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुरी बोल जग पंथी खोल सती मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने खोल सद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से जय जय राधा जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना हरि करे ललिता जी सखी।
ललित माधव वामी वृषभानु कन्या लीलावतन वामी रूपे गुणे भन्ना नाना पिता अलंकार करि जनमाला ప్రియ నర్మసీ జమరీయమాధవ పద సరీ వినోద సఖి పద సుఖి वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सबके सब बैठ जाओ। सभी बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बड़े प्रेम से ठाकुर जी की कथाओं का पान करेंगे, शोर कोई नहीं मचाएगा। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आइए। बोले बांके हरि लाल की जय। जय श्री राधे। ओम ज्ञान चमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। ज
भजन प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मिन् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी और हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी का मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हाँ ध्यान देकर सुनो हरि बोल इधर सुनो ध्यान देकर के देखो अगर आपकी कथा सुनना है ना आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो आप जिसको जानते हो उससे थोड़ा अलग होकर बैठो नहीं तो बिना कारण के कारण आप बात करने लग जाओगे ठीक है। और बच्चियों को इधर ठीक से रखा कर पास में ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। देखो गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। हमारे संत लोग कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हो हमें उसको चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वही सुन सकते हैं जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ। पापी लोग तो बैठ नहीं सकते हैं। कौन सुन सकते हैं जो करोड़ों करोड़ जन्म की पुण्य किया हो। अगर कोई बोले हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं फिर क्या कथा में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए धुंधुकारी का उदाहरण दिया। ये धुंधुकारी मतलब क्या है, बोले धुम धुम करत इति धुंधुकारी, जो जीवन को तुम्हारी जीवन को मचला दे दुख कष्ट दुख दुख दे दे। ये धुंधुकारी ने इतने पाप की किसी बच्चे को कुएं को सामने खेलते हुए देखे तो उसको धक्का मार कर गिरा दे, किसी घर में आग लगा दे, चोरी करता था, मांस मदिरा पीता था खाता था, फिर अपना पिताजी को इतने कष्ट दिया पिताजी घर छोड़कर चले गए, मैया को इतने पिटाई की मैया कुएं में आत्महत्या की, फिर घर में छह छह वेश्याओं को बुला कर रख लिया, फिर डाकू डाला, मतलब ऐसे कोई पाप नहीं जो पाप ये धुंधुकारी ने नहीं किया। हमारी भारतीय संस्कृति है आप जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार गया में जाओ वहां पर भगवान का चरण की चिन्ह है। ठाकुर ने स्वयं बताए कोई गया जा करके अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार पिंड दे दो सारे पाप से उसको उधार हो जाएगी। लेकिन गोकर्ण ने जब पिंड देकर घर में आया देखा फिर भूत बनकर बैठा हुआ, कभी हाथी बनकर कभी घोड़ा बनकर के कभी बिल्ली बनकर के डराना के लिए कोशिश कर रहा। उसने पूछा भैया तू है कौन, बोले धुंधुकारी, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैंने इतना पाप मैंने की
मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोहना मृग उधार होने वाला नहीं। इतना बड़ा पापी, लेकिन इतने बड़े पापी को उधार कैसे हुआ? बोले भागवत कथा से। किसे मुक्ति मिली? बोलो जोर से। इसका मतलब है हम जितने पाप क्यों नहीं करे, एक बार आ जाओ और कथा में बैठ जाओ, कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान की कथा तुम सुनते जाओ सुनते जाओ, देखोगे सारे पाप से मुक्त हो जाओगे, वैकुंठ से रथ आएगा, बस बैठ करके ठाकुर के पास में चले जाओगे, आनंद ही आनंद। इसलिए पापी से पापी क्यों नहीं हो कथा सुन सकता है? अगर कोई बोले अरे सुनी सुनाई कथा को कितना सुनेगी, हमने सब सुन लेती है, हमें सब कथा पता सुनने का कोई जरूरत नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया है श्री सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे हम इतने बड़े विद्वान बन ही नहीं सकते, इतने बड़े विद्वान थे, मातृगर्भ में जो 16 साल तक रहे और जन्म होते ही वो तो संन्यास लेकर के चले गए जंगल में, और ब्रह्म में डूबे हुए थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भागवत कथा की इतनी महिमा, केवल एक श्लोक उसने सुन लिया पागल हो गया, सारे ब्रह्म ध्यान को छोड़ करके भागते भागते आए और पूरी भागवत कथा को सुने। इसका मतलब है ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो ये कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बलराम कथा जय सुना ता अघाई, राम कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अघाई, रास विषय सजन तीन नाई, राम कथा जय सुना ता घाई, राम कथा जय सुना ता घाई। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले भैया कथा सुनते सुनते हम तो बोर ही हो गए, हम तो बोर हो गए, बोले इसका मतलब है भगवान की कथा में जो रस है उसको पता नहीं। लेकिन टीवी में कोई सीरियल आता ना गंदे से गंदे, और सांस भोग लड़ाई आ जाए फिर तो कोई बात नहीं है, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर जिसका कोई मतलब नहीं है, तीन तीन घंटा आप बैठ जाते हैं सीरियल देखने, तीन तीन घंटा बैठ जाते हैं, अब बैठ बैठ के देखते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए बोलो जो सही कथा है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें शांति, जिसमें सुख है, बोले इसमें मन नहीं बनता है, क्योंकि कारण क्या, बोले पापी है ना, इसलिए पापियों को भगवान की कथा रुचि नहीं लगती है, उल्टा पुल्टा कथा बोलो उसमें बड़े रुचि है, कान फाड़ फाड़ कर सुन लगे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की कथा में किसको अरुचि कभी होती नहीं, जितने सुना इच्छा करता है भैया सुनते जाओ और कथा सुनते जाओ। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथाओं को सुन सकते हैं। इसलिए कथा सुनने का सब अधिकारी है। इसलिए स्कंद पुराण में कथा थी भागवत महिमा की, जिस समय भगवान कृष्ण संसार छोड़कर चले गए, मैया कुंती को जब पता चला कृष्ण चले गए, मैया कुंती भी उसी समय शरीर त्याग दी। बोले क्यों? बोले जब जीवन में कृष्ण है ही नहीं, अगर ये जीवन में कृष्ण भजन नहीं होना, कहते भैया ये प्राण रख करके कोई लाभ नहीं, खाना पीना सोना कुत्ते गधे ये सुअर भी कर लेते हैं, ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो खाता नहीं पीता नहीं सोता नहीं, वो सब के सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो भगवान ये मानव शरीर दिया, किस लिए मानव शरीर दिया? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये 84 लाख जीवनों बाद में एक बार ये जीवन मिला मानव शरीर है, कहती ये मानव शरीर नहीं, कहती ये साधन धाम। साधन धाम मतलब क्या है? ये 84 लाख जीवन है, पशु पक्षी कीड़े मकड़े जानवर
किसको बोला राम राम कृष्ण कृष्ण बोला, कोई बोल सकते हैं? नहीं। किसी को भी इंसान के सिवाय किसको बोल दो जीवा में राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोल सकते हैं? नहीं। जैसे घर से यहाँ तक केवल आप ही लोग है जो ठाकुर जी दो प्यार दिए घर से चल करके यहाँ पर आए। यहाँ पर कोई जानवर सुअर कोई गधा बैठा हुआ है? नहीं बैठे हुए। भगवान उसको ये जीवन ही नहीं दिया, कथा सुनने का मौका ही नहीं दिया, वो सुन ही नहीं सकते कथा को। केवल ठाकुर जी ये दो आंखें दिए हैं जिससे हम ठाकुर जी को दर्शन कर सकते हैं, केवल दो ही हाथ दिए हैं जिससे ठाकुर को हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं ये साधन धाम, मतलब इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति साधन हम कर सकते हैं और कोई ठाकुर जी की भक्ति कर ही नहीं सकते। लेकिन ये पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन ये जीवन पा करके जो परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की, मतलब भगवान की भक्ति नहीं की, फिर क्या है? उसको बाद में कहते हैं भैया पर सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ठाकुर जी तुम्हें ये दोबारा मानव शरीर ठाकुर देने वाले नहीं। इसलिए ये जीवन रहते रहते क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कुंती मैया ने उसी समय में शरीर त्याग दे दी, पांडव लोग भी ये दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन जाने से पहले श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने राजगद्दी पर हैं ये इंद्रप्रस्थ में राज सिंहासन में बैठा दिया। और बज्रनाभ, ये बज्रनाभ कौन है? कृष्ण के बेटे के बेटे के बेटे हैं, इनको उनको वृंदावन का राजा बना दिया। एक दिन परीक्षित महाराज श्री बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन में आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन जो मेरा जो मन है ना, मन को है मन विचलित। बोले क्यों? बोले कोई है ही नहीं वृंदावन में, मन ही नहीं लगता है, वृंदावन खाली खाली है। क्योंकि जब कृष्ण ये संसार छोड़कर गए पूरा के पूरा उन्होंने वृंदावन धाम को लेकर के चले गए, कीड़े पशु पक्षी यहाँ तक भी उनको लेकर चले गए। बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं इसलिए मन ही नहीं लगता है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए, लेकिन कृष्ण दूसरे स्वरूप में इस जगत में है, हैं? कृष्ण कहीं गए नहीं। बोले ये रहस्य को कौन जानता है? बोले श्री बज्रनाभ जी को पता है, श्री सांडिल्य ऋषि को पता। ये सांडिल्य ऋषि कौन है? बोले श्री नंद बाबा का कुल पुरोहित। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा को बताओ, ये वृंदावन धाम क्या है। तब श्री सांडिल्य ऋषि बोले देखो ठाकुर जी की दो तरह का लीला है, एक तो इनकी व्यवहारिक लीला और एक इनकी वास्तविक एक सही लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, लेकिन अगर वास्तव सही रूप में देखोगे कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, भले मैं वृंदावन छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठा सबके सब, सबके सब गए हो? कुछ कुछ माताएं हाथ नहीं उठा रही, गए नहीं वृंदावन में? हाँ देखो वृंदावन में अब देखो दो वन देखोगे, एक निधु वन और एक निकुंज वन। अगर ये दो वन में जाओगे ना कभी जाओ, अगर कभी कहीं जाओ तो देना ठीक शाम होते ही बहुत सारे बंदर देखोगे, वो बंदर अपने आप वहां से निकल कर चले जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। ठाकुर जी के लिए फूलों की सज्जा लगती है, दांतन लड्डू लोटे में पानी रख लेते, लेकिन आप सवेरे जा करके देखोगे ना लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगी। ऐसे लगेगा जैसे फूलों की सज्जा के ऊपर में रात में कोई विश्राम करते हुए कोई गए हैं, कभी लड्डू नहीं मिलेगी,
अगर कोई सोचेगा हम जोर जबरदस्ती हम रात को यहाँ रह करके देखना चाहते हैं ठाकुर जी क्या करते हैं, वो गुंगे हो जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ देगा है? वो शरीर रखेगा नहीं, इसलिए वो उसके पास में हमारा मंदिर में दो घटना स्वयं देखा। एक व्यक्ति जोर जबरदस्ती रह गया, मैं देखूंगा क्या होता है, सवेरे देखा वो तो प्राण छुटा हुआ है। और एक माता जी रह गई थी, सवेरे देखा वो गुंगा बनी है। क्योंकि जब ठाकुर जी का लीला कोई दर्शन करता है फिर तो बोलने का लायक ही नहीं रह जाता है। अगर जिनको ये कलयुग में विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान भगवान किसने देखा, एक बार वृंदावन में आओ और वो वन में रह करके एक बार देख लो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जयकार नहीं दे रहे, क्या चक्कर है, आज कोई व्रत है, सोमवार व्रत है ना, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सांडिल ऋषि ने बोले देखो, लेकिन अभी अगर आप वृंदावन में जाओगे आपको लगेगा जैसे उजड़ा हुआ है। बोले कारण क्या, तो ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसो विलोकयंतम। कहते कब प्रभु जी के लीला दर्शन मिलेगा, कद जब हम इन्हीं आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे, काजल को लगाएंगे। लेकिन हमारी आंखों में कौन सा काजल लगा हुआ, ईर्षा द्वेष अभिमान काम क्रोध लोभ मोह, इसी चीज का अंजन लगी हुई, काजल लगा करके रखे। इसलिए हमें इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जो शुद्ध संत हुए हैं ठाकुर जी उनको दर्शन दिए हैं। हमारे संप्रदाय में एक संत थे जिनका नाम था श्री रूप गोस्वामी, और ये छोटे भाई उनका बड़ा भाई का नाम था सनातन गोस्वामी। कभी कभी दोनों भाई बैठ करके आपस में हरि चर्चा करते थे। एक दिन बड़े भैया छोटे भैया के पास में आए, अभी छोटे भैया सोचे बड़े भैया को क्या खिला, बोले बड़े भैया को तो खीर बहुत पसंद है। हाँ उनको खीर बहुत पसंद है, लेकिन घना घोर जंगल में खीर कहाँ से मिलेगा। राधा रानी स्वयं मंगा करके खीर बना कर जाती है। बोले बाबा खीर खा लियो, बोले ठीक है लाली कोई चिंता मत करो। लेकिन जब कथा उनकी विश्राम हुई, जब ठाकुर को भोग लगाकर खिलाया ना बड़े भैया को, खीर तो जीवन में बहुत खाए हैं लेकिन ये खीर को किसने बनाए, श्री किशोरी जी राधा रानी ने खीर बनाई, समझो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा। जब वो खीर खाई ना उनको तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई, हृदय प्रेम में गदगद हो गया। इतने में वो कहते हैं बोले तुमने कुछ सोचा था, बोले हाँ मैं ये सोचा था आप बड़े दिनों में आए हो आपको खीर खिलाओ। बोले भैया ये घना घोर जंगल में ऐसे 5.5 साल पहले कौन तेरे मन की भावना समझे और यहाँ पर खीर बना कर जाए। वो जो लाली थी ना वो लाली नहीं थी, कौन थी, वो स्वयं श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने ये खीर बना करके खा करके देख कितने स्वाद है, हैं? इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत थे, वो संत जब गुरु जी के पास में आए, गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना मेवा नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ पर निकुंज निधुवन में झाड़ू लगाओ, जहाँ पर झाड़ू लगाओ। और राधा रानी का नाम को ले ले करके रो रो करके झाड़ू लगाए थे, हे राधे कब मेरे ऊपर में तेरी कृपा मेरे ऊपर में कब होएगी, रो रो करके झाड़ू लगाते थे। अभी राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए जान बूझ करके प्यार की पायल छोड़ कर गई, नुपुर छोड़ कर गई। वो संत गए देखा घना घोर जंगल में चमचमा तो हुए सोने की नुपुर, उन्होंने उठाया अपना गुरु जी को दिखाया, बोले गुरु जी हमने ये नुपुर मिला। गुरु जी तो साधारण थे नहीं, वो तो समझ गए इधर राधा रानी के चरण की नुपुर। बोले देख बेटा राधा रानी दर्शन करने के लिए बहाना बनाए, ये नुपुर जिसको तो इसको नहीं देना, अगर कोई लेने के लिए आए ना बोलना जिनका नुपुर स्वयं आए। अभी ललिता विशा का रूप धारण करके आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू आई थी यहाँ फूल चयन करने के लिए, प्यार का कहीं नुपुर गुम गया तेरे को मिला, बोले एक नुपुर तो मिला, बोले दे दो। बोले जिनकी चरण का नुपुर खुद आए, बोलो हमारी घर की बहू है वो ऐसे थोड़ी आ जाएगी, बोले मैं तो उनके चरण में ही पहनाऊंगा। बोले तो राधा जू की पायल की घुंघरू
और श्यामा जू की पायल के घुंघरों नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए, राधा जू की पायल के घुंघरों, श्यामा जू की पायल के पायल की घुंघरू, श्यामा जू की पायल की घुंघरू, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए, राधा जू की पायल की घुंघरू, श्यामा जू की पायल की घुंघरू। Thank you.
राधा रानी।